अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे सुकट की चटनी। आज हम बनाएंगे झींगे की चटनी। झींगे की चटनी बनाने के लिए मैंने ना इतना झींगा लिया है, इसको चुन के लिया है, मैंने साफ करके ले लिया है, जो पत्थर वित्तर जो भी होते ना सब निकाल लिया है। अभी हम इसको पहले भून कर लेंगे, फिर भुनने के बाद फिर हम उसको धोएंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी थी गरम को, पहले हम इसको भून लेंगे। भुनने से क्या होता है, जो भी मिट्टी कचरा लगा हुआ होता है ना वो सब निकल जाता है, फिर बाद में इसको हम धोएंगे। बहुत से लोग धोते नहीं है, ऐसे ही बनाते हैं, मैं तो धो के बनाती हूँ। हमने इसको अच्छी तरह भुन के ले लिया है, अभी हम इसको पहले ठंडा होने देंगे, फिर इसको छानेंगे भी और धोएंगे। तब तक हम इसको ठंडा होने के लिए थाली के अंदर इसे फैला के रखेंगे। कढ़ाई को साफ करके हम इसी के अंदर हम सुकट की चटनी बना कर लेंगे। अभी सुकट की चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। तेल गर्म हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। 1 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची में बनाएंगे, अगर आपको इसके अंदर लहसुन का और हरी मिर्ची का कैसा पीस कर डालना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको काट कर डाल रही हूँ, और ये है हरा धनिया। तेल हमारा बहुत गर्म हो गया, इसके लिए मैं थोड़ा गैस को कम कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इसको हम इस तरह से छन्नी से देके छान कर लेंगे। इसमें जो भी कचकच मिट्टी का जो होगा ना सब निकल जाएगा, फिर हम उसको धोएंगे इस तरह से छानने के बाद। मैं इसी तरह से सुकट की चटनी बनाती हूँ। इसको झींगा भी बोलते हैं, बारीक वाला झींगा, एकदम छोटा छोटा जो होता है, झींगा भी बोलते हैं और सुकट भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्याज को हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, कच्ची पक्की प्याज नहीं, हम टमाटर हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे। अब थोड़ा हम उसको होने देंगे फिर डालेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह छान के ले लिया है, ये सब हम फेंक देंगे और इसको पानी से भी धो कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो के ले लेंगे। इस तरह से इसे ऊपर ऊपर की उठा के छन्नी में डाल देंगे। इस तरह से धोना है सुकट। अगर इसमें मट्टी होंगी ना हो तो नीचे पानी में बैठ जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा बहुत कचरा है, ये भी हम फेंक देंगे और इसको 2 पानी से और धोएंगे। मैंने पहले को अच्छी तरह धो के ले लिया है, अब इसको वापस इसमें डालेंगे। प्याज में ये सब डाल देंगे, टमाटर हरी मिर्ची, और इसको धीमी आँच पे छोड़ देंगे। तो नमक भी डाल देंगे हम हाथ के साथ। टमाटर को अच्छा सॉफ्ट होने तक इसको पकने देंगे।
अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, आपको जितना लगता है उतना आप आपके हिसाब से डालें। हल्दी बाद में डालेंगे। भुनने से ऐसा ही कड़क ही रहती है, एकदम ऐसे नरम नहीं होती है, और जो भी इसमें कचरा होता है उसको चिपका हुआ भुनने से सब निकल जाता है। अभी मैं इसको एक बार और धोऊंगी। ये चटनी को, शुगर की चटनी को खिचड़ी के साथ और हम जो पीली दाल बनाते हैं ना उसके साथ जरूर खाए, एकदम मस्त लगती है। और इसके अंदर जो कांदे की पत्ती आती है ना वो डाल के भी बनाए ना और भी टेस्टी लगती है। मैं दूसरी बार अगर बनाऊंगी ना तो कांदे की पत्ती डाल के बनाऊंगी और उसकी वीडियो भी जरूर अपलोड करूँ। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक तो मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ा हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे। दबा दबा के इसका ऐसा पानी निकालेंगे और इसको कढ़ाई में डालते हैं। प्याज और हरी मिर्ची के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अच्छा तो मसालों के अंदर अच्छा उसको तड़कड़ होने देंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। मस्त वाली हमारी चटनी झींगे की बनके तैयार है। हमारी सुकट की चटनी एकदम मस्त बन गई है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और आप लोगों को अभी प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। सुकट की चटनी की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।